आज मैं आप सभी लोगों के लिए मटर और मशरूम की सब्जी बनाने जा रही हूं। तो ये मशरूम है और मशरूम को मैंने धुलकर इस तरह से काट लिया है। और ली है हरी मटर, अदरक, प्याज और लहसुन। तो लहसुन, प्याज और अदरक को मैंने पीस लिया है। इस बर्तन में मैंने रखा था गर्म होने के लिए पानी, और पानी अच्छी तरह से गर्म होने के बाद मैंने सभी कट किए हुए मशरूम को इसमें डाल दिया है और आधा चम्मच डाला है सादा नमक। और 5 मिनट के लिए मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर रख दिया था उबलने के लिए, और ये उबल चुका है। अब मैं इसे किसी जाली में छान कर रख लूंगी। पैन को रख दिया है गर्म होने के लिए और डाला है सरसों का तेल। तेल गर्म होने के बाद मैंने इसमें डाला है जीरा, 2 चुटकी हींग और चुटकी भर हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने से प्याज का पेस्ट डालने के बाद इसकी छींटे बाहर नहीं निकलती हैं, और लगभग 3-4 मिनट के लिए मैं लहसुन और प्याज को मीडियम फ्लेम पर भूनूंगी। और अब आप देख सकते हैं कि मशरूम का पानी अच्छी तरह से निकल गया है। अब लहसुन और प्याज का कलर चेंज होने लगा है, और मैंने डाली है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, और इन मसालों को मैं मिक्स करूंगी। अब मसालों को मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूंगी हरी मटर, मटर के हिसाब से डालूंगी सादा नमक, डालूंगी मशरूम, मशरूम के हिसाब से सादा नमक। आप इसमें नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। और इसे चलाने के बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी। अब पानी डालने के बाद मैं इसे मीडियम फ्लेम पर ढककर लगभग 5 मिनट के लिए रख दूंगी। अब कवर को हटाकर मैं सब्जी को लगभग 2-3 मिनट के लिए चलाऊंगी, और फ्लेम को मैंने मीडियम ही किया है। अब इसे चलाने के बाद मैंने आधे टमाटर का पेस्ट बनाया है और उसी में डाला है आधा ग्लास पानी, जिसे मैंने डाल दिया है। और अब मैंने इसमें डाला है आधा चम्मच गरम मसाला। अब इन सभी चीजों को मिक्स करते हुए चलाऊंगी। थोड़ा सा पानी मैं इसमें और डालूंगी और मीडियम फ्लेम पर लगभग 5 मिनट के लिए मैं इसे फिर से कवर करके रख दूंगी। अब एक बार कवर को हटाकर मैं सब्जी को फिर से चलाऊंगी, और चलाने के बाद मैं कुछ देर के लिए इसे फिर से कवर करके रख लूंगी। अब 2-3 मिनट के बाद मैं सब्जी को खोलकर एक बार फिर से चलाऊंगी। सब्जी बनाते समय आप 1-2 बार इसे चलाते रहें ताकि आपकी सब्जी जले नहीं। और अब मैं इसे लगभग 2-3 मिनट के लिए फिर से कवर करके रख दूंगी। अब मैं कवर को हटाकर देख लेती हूँ
कि मटर और मशरूम की सब्जी कैसी बन रही है। फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया है और इसे चलाने के बाद आप देख सकते हैं कि मटर इसमें अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो सब्जी बनकर तैयार है और अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे नीचे उतार लूंगी। तो सब्जी को मैंने फ्लेम से नीचे उतार लिया है और डाली है कटी हुई हरी धनिया। हरी धनिया डालने से सब्जी का टेस्ट अच्छा आता है और सब्जी देखने में भी अच्छी लगती है। और इसे मिक्स करने के बाद मैं इसे निकाल लूंगी इस कटोरी में। आप भी मटर और मशरूम की सब्जी एक बार इस तरह से बनाकर ट्राई करें। अगर आप सभी लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।